अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसएनजे आज आपके लिए एक और मज़ेदार किस्म का पुलाव लेके आई हूँ और यह है मटन रेजन्स पुलाव। जैसे कश्मीरी या अफ़गानी पुलाव होता है, उस टाइप का पुलाव है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने इसकी यखनी तैयार की है और ये मटन है हाफ़ के जी और ये यखनी है। जो रेसिपी है वो अभी आपको जब मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँगी तो उसके बाद आपको दिखा दूँगी, बल्कि बनाने का तरीका भी दिखा दूँगी। इसके अलावा हमने हाफ के जी राइस लिए हैं, 1 कप किशमिश है इसमें, क्योंकि रेजन्स का नाम लिया गया है तो उसमें किशमिश डालेंगे। इसके अलावा हम 1 कप दही ले रहे हैं, 2 प्याज हैं जो हमने चॉप कर ली हैं, ठीक है, जैसे अंडे वाली प्याज होती है इस तरह। इसी तरह हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और इसे भी हमने इसी तरह क्यूब्स में छोटे छोटे काट लिया है। इसके अलावा ये तेज़पत्ता है, 6 छोटी इलायचियाँ हैं, ये जायफल और जावित्री का पाउडर है जिसको मैं जो है ये पूरा पाउडर है लेकिन हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1/4 बहुत हो जाएगा, 1/4 का मतलब चुटकी, 2 चुटकी डलेगा बेसिकली ये। और नमक है, हम इसमें भी नमक डाल चुके हैं, 2 टीस्पून हमने इस वक्त नमक डाला था और अब चावल पकाते हुए भी हम इसमें 2 टीस्पून नमक डालेंगे। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, मेरे पास बहुत लंबी लंबी और बड़ी हरी मिर्चें थीं इसलिए मैंने काट के इनको 2-2 पीस कर लिया है। आपके पास छोटी हो तो आप 6 से 7 ले लें, मैंने इनको काट के कर लिया। ये लहसुन अदरक है और ये 2 टीस्पून है, ये इधर भी आप लहसुन अदरक ही देख रहे हैं लेकिन ये वो लहसुन अदरक है जो मैंने यखनी में डाला था, उसे मैंने मैश करके ले रख लिया, इसे मैंने ज़ाया नहीं किया। घी इस्तेमाल करेंगे हम, घी से बहुत अच्छा ज़ायका आता है, 3/4 कप जो है हम घी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये जुलन अदरक है, ऊपर से जो गार्निशिंग करते वक्त हम यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून जो है हमने तली हुई प्याज ली है, ये भी गार्निश के टाइम पे यूज़ की जाएगी, और हरा धनिया है, ये भी गार्निश। ये 4 चीज़ें जो आप इधर देख रहे हैं ये सब बिल्कुल लास्ट सर्विंग के टाइम में इस्तेमाल होंगी, बाकी हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं, पहले मैं आपको यखनी दिखाती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कुकिंग दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, हम मटन रीजन्स पुलाव बना रहे हैं और उसके लिए हम यखनी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 1/2 kg गोश्त डाला है पैन में, इसके अलावा ये 1 प्याज, देखें मैं 1 प्याज पूरी साबुत शामिल कर रही हूँ, 1 लहसुन की गांठ है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 8 जो हैं ये छोटी इलायची हैं और ये 1 तेज़पत्ता है जिसे मैंने क्रश कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हम शामिल करेंगे इसमें, 1 टेबल स्पून और साबुत धनिया, ये नॉर्मल पुलाव से थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इसमें सौंफ नहीं जाएगी, सिर्फ धनिया, साबुत धनिया 1 और 1/2 यानी 1.5। बस अब हम इसमें पानी डाल देंगे और हम यखनी चढ़ा देंगे, और अगर आप नॉर्मल पैन में बना रहे हैं तो इसको इसमें 10 गिलास पानी डालें और जब तक ये पकेगा ये 6 गिलास पानी बचेगा तो आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। मैं कुकर में बना रही हूँ तो नेचुरली पानी कम है। जी नाज़रीन, ये देखिए मैं पानी इतना डाल रही हूँ, बस इतना कि हमारा तमाम जो चीज़ें हैं गोश्त और सब चीज़ें ये इसमें डिप हो गई हैं। जी नाज़रीन, अब मैं इसका लिड लगा रही हूँ और इसको मैं 10-12 सीटियाँ दूँगी और इंशाल्लाह इतनी देर में मेरा गोश्त भी गल जाएगा और यखनी तैयार हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने पैन में घी डाल दिया है। जी नाज़रीन, देखें
घी हमारा मेल्ट हो गया। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट होकर। जी ना जी, ये देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई। अब हम ये जो लहसुन अदरक है हमारा, जो लहसुन अदरक भी था और जो हमने यखनी में डाला था लहसुन अदरक, वो भी दोनों हमने इसमें शामिल कर दिए। और ये देखिए फौरन जो पकना शुरू हो गया, तेज पत्ता और इलायची भी शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा भून देंगे। अब हमें इसमें ये टमाटर सारे शामिल कर रही हूँ। थोड़ा टमाटर पक जाएंगे तो फिर मैं इसमें दही भी शामिल कर दूँगी। देखिए टमाटर पक गए हैं, अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। मैंने आपको जो यखनी की रेसिपी दिखाई उसमें एक चीज़ दिखाई कि बताई कि इसमें हमने सौंफ शामिल नहीं किया, और ये क्योंकि ये रेगुलर पुलाव नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमने इसमें जो है, और इसके बगैर भी इसमें बहुत अच्छा मज़ा आएगा। अब मैं इसको जो है टमाटर गल जाने और दही का पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। जी नाज़रीन, ये देखिए ऑयल बाहर आ गया और टमाटर भी हमारे गल गए। आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने इस प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया। इसकी वजह यह है कि हमें चावलों में कलर नहीं चाहिए, हमें सफ़ेद सफ़ेद से चावल चाहिए थे। अब मैं सबसे पहले इसमें ये गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त मैंने ये अपनी से अलहदा कर लिया था और अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। अभी मैं इसमें एक और आधा टीस्पून शामिल कर रही हूँ। बाद में मैं चेक करूँगी कि अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत हो तो मैं इसमें हाफ टी स्पून मज़ीद डाल दूँगी। ये हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। लीजिए ये बिल्कुल भुन गया है अच्छी तरह। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। ये लीजिए नाज़रीन, अब मैं इसमें ये यखनी शामिल कर रही हूँ। चावलों का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चावल में पानी कितना होना चाहिए। पानी इतना होना चाहिए कि आपके जो चावल हैं उसकी उससे इतने ऊपर हो पानी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप चम्मच से भी नाप सकते हैं, आपको आइडिया होगा कि कितना पानी हमें चाहिए। ये देखिए ये इतना इसमें पानी हमको चाहिए। पहले तेज़ आंच पे इसको पका लीजिए और जब पानी खुश्क होने लगे तब फिर इसको इसकी आंच हल्की करें। खुला ढक्कन रख के शुरू में आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं और फिर उसके बाद जो है इसका ढक्कन बंद करके आंच लो करके पहले मीडियम टू लो करके थोड़ी देर पकाएं और फिर आखिर में लो करके दम पे रखें। जी नाज़रीन, इस पॉइंट पे एक और चीज़ जो मुझे शामिल करनी है वो है मेरी जायफल जावित्री, और ये मुझे चाहिए दो मोटी मोटी चुटकियाँ। वो मैं ये दो मोटी मोटी चुटकियाँ बन जाता है मैंने आपको दोनों। जी नाज़रीन, देखिए मेरे पुलाव का पानी खुश्क हो गया है तकरीबन, ज़रा सा नीचे बचा है। अब मैं इसको दम की तरफ करूँगी। एक चीज़ मैं आपको टिप दे दूँ कि अगर इन केस कभी आपके चावलों में पानी ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए, आप सिंपली उस पर जो न्यूज़पेपर लें और आप न्यूज़पेपर को इस पर बिल्कुल अच्छी तरह पैक कर दें। अगर बहुत पानी है तो डबल कर दें और अगर कम पानी है तो एक न्यूज़पेपर इसके ऊपर लगा दें और फिर उसका ढकना लगा के दम पे रख दें तो वो सारा ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरे पास तो पानी बहुत मुनासिब होता है तो मैं उसमें साथ में मुझे कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, मैं आधी किशमिश जो है, ये एक कप किशमिश थी, आधी किशमिश मैं अभी शामिल कर रही हूँ दम पर। आधी हम सर्विंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा बंद कर देती हूँ।
और तकरीबन 10 मिनट में इंशाल्लाह मेरा पुलाव, हमारा जो ये पुलाव है वो तैयार हो जाएगा।